नीचे बैठा। क्या क्या खड़ी रह गई ये चीज डाउन रख, ये जैसे स्टैंड अप रहेगी ना ये खड़ी रहेगी तो ये ना नी में दर्द होने लग जाएगा, इसको मार मत, ऊपर उठा उसको डाउन जाने दे पूरा। शाबाश बहुत बढ़िया। हाई जंप करेंगे ऊपर लेके और डाउन में बैठना है, कल ये कोशिश करते हैं, ये ठीक होने के बाद पीछे से करेंगे ठीक है। रेडी चल, नीचे बैठा कर पूरा, खड़ा नहीं रहना पूरा डाउन जाओ ठीक है। बाकी का इस चीज को सही करना, ये पैर कदम बढ़ा रही नहीं, वहां से स्टार्ट किया छोटे छोटे स्टेप को तेज करा फिर जम, ये लास्ट स्टेप लंबा नहीं करना है, लंबा करेगी तो फिर फाउल होगा ठीक है। वही स्टेप है कोई बात नहीं, आगे पीछे जाएगा वो बात चल। शाबाश ठीक है, आप थोड़ा सा डिस्टेंस पीछे से बढ़ाइए, डाउन जाया कर, खड़ी मत ये मत रहा कर, इसको पूरा डाउन जाने दे। ठीक है चल, शाबाश बढ़िया। कोई बात नहीं, क्या क्या खड़ी रह गई, ये चीज डाउन रख, ये जैसे स्टैंड अप रहेगी ना ये खड़ी रहेगी तो ये ना नी में दर्द होने लग जाएगा, इसको मार मत, ऊपर उठा उसको डाउन जाने दे पूरा। कोई बात नहीं बढ़िया, स्टेप लंबे मत कर, स्टेप लंबे करेगी तो जंप कम हो जाएगा ठीक है। थोड़ा ना पीछे करो, फाउल का कोई वो ध्यान नहीं रखना है, मेन टारगेट क्या है जंप को सही करना, लैंडिंग सही सुधार कर अपने आप जंप क्लियर होने लगेगा ठीक है। जो पता है लैंडिंग में डाउन जाना वो डाउन जाना, चल चल शाबाश। स्टेप फिर खराब कर दिए, कोई बात नहीं जंप अच्छा दिया, बस ये बीच में ये कर रही ना स्टेप छोटे बड़े, कोई बात नहीं लाइन कट दो, अभी तो फाउल हुआ है, जब एक स्टेप से आएगी तो फाउल भी रुकेगा, एक स्टेप से नहीं आएगी तो कभी नहीं रुकेगा फाउल। नॉर्मल जो स्टेप चले चलते हैं इसके लिए कोविड में जो स्टेप चल रहे हैं ना उस स्टेप पे आ और फिर जंप पे चल। शाबाश बहुत बढ़िया, क्लियर हुआ कोई बात नहीं, फाउल था कोई दिक्कत नहीं है, जंप क्लियर होने लगा ठीक है। अब एक जंप पकड़ लें वहां से करेंगे, इधर आ जा ऐसे कैसे ऐसे घुमा के दिखा दे, अपना स्पीड पूरी कर। शाबाश शाबाश बढ़िया, फाउल था तो जंप अच्छा किया, देख काफी आगे जा रही है ठीक है, काफी ज्यादा एक लास्ट जंप स्पीड बढ़ा रही है ना, स्पीड थोड़ा सा जो लाइन लगा रखी है ना लास्ट वाली
यहाँ से बढ़ाएगा, पहले से मत बढ़ाएगा, वहां से आगे चल के आप पास पत्थर फिर बढ़ाएगा। उधर उधर चल अब बड़ा शाबाश तेज कर शाबाश। बहुत बढ़िया हाथ को, बाकी सब कुछ सही था, और हल्का सा टच हुआ कोई बात नहीं, बट जंप करने के बाद जो हाथ पीछे रखा ना वो कभी नहीं रखना। अगर आप जंप करते हो चाहे यहाँ जंप कर जाओ, अगर बॉडी पार्ट हाथ नहीं, आपके अगर बाल भी पीछे टच हो गए ना तो वही से काउंट होगा। जब भी जंप किया तो हाथ जैसे आप जंप किया आप ये लेके जाओ, ताकि जो फोर्स है आगे जनरेट हो जाए और बॉडी आपके आगे, ठीक है, आगे जंप देख ले काफ़ी अच्छा है पहले से है, इतना कर दिया और भी हो जाएगा और आगे बढ़ेंगे। आप टारगेट ये रखना, अब ये मत सोचना कि बेसिक बेसिक क्लियर हो गया हर चीज, अब तेरे को सिर्फ क्या करना है फीट पे फोकस, और जो स्टेप है ना स्टेप कई बार क्या करती है बड़े कर देती है, यहाँ पे आके तो बड़े होते हैं बिल्कुल छोटे हो जाते हैं, तो उसको ठीक करना है, ठीक है। एक फीट पे आपके जंप को ऊपर उठा, अरे भाई